हे गाइस, अगेन एक वीडियो। आज फिर से न्यूबॉर्न ट्विंस के साथ मेरा क्या रूटीन रहता है बच्चों के साथ, बच्चों को कैसे कैसे मैं रेडी करती हूँ, कैसे दिन की शुरुआत होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर दोनों बच्चे अभी हो चुके हैं 1.5 मंथ के। अभी सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह सुबह का भी नहीं, एक्चुअली नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, नाश्ता हो चुका है, और 11:15 का टाइम हो गया। और बच्चों के लिए दूध प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब दोनों बच्चों का, क्योंकि मुझे सेम रूटीन रखना है, तो ट्विंस में बस इस चीज़ का बहुत बेनिफिट हो जाता है अगर हम दोनों बच्चों का सेम रूटीन रखते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है हर बार कि मैं इनका सेम रूटीन रखूँ, तो इसके लिए मुझे इनका इनकी जो फीड है वो दोनों को एक साथ देनी पड़ती है, एक साथ प्रिपेयर करनी पड़ती है। सो गाइज, यहाँ पर बच्चे अभी उठ चुके हैं, एक्चुअली उठ गए थे एक दो बार बीच में, फिर इनको फीड कराया और ये सो लिए अच्छे से। इतने मेरा घर का काम भी हो गया। और अभी मैं ले रही हूँ अजवाइन और जीरे का पानी, और ये मैं एक्चुअली थर्मस में ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं मिलता, बट अगर बच्चे आराम कर रहे हों और मैं फ्री हूँ अगर काम से, तो मैं नहा धो के आई थी और बच्चों को मुझे अभी फीड कराना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपना जो पानी है वो मैं ले लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रोज़ लेती हूँ, कभी कभी स्किप हो जाता है, मोस्टली स्किप हो जाता है, बट जब मुझे याद रहता है तो मैं लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद ये बहुत अच्छा होता है। मतलब मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी थी उसमें तो मैंने कंटिन्यूस पिया था एक्सट्रीमली हॉट वाटर, लेकिन अभी ज़्यादा काम है तो इसलिए मैं नहीं पी पाती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को एक साथ ही दूध दे देंगे, और दोनों बच्चे एक साथ जो हैं, अभी मैंने इनके मसाज वगैरह कुछ नहीं करी है, क्योंकि पहले इनका थोड़ा सा पेट भर देती हूँ ताकि एकदम से क्रैंकी ना हो, रोए ना, और थोड़ा थोड़ा सा ये दूध पी लेंगी, और उसके बाद मैं धीरे धीरे से इनको, मतलब पहले बर्प करा के और फिर इनको मैं जो है रेडी करना शुरू करूँगी आज के दिन के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दोनों बच्चों के साथ आपका वेलकम कर रही हूँ। तो अभी ये दोनों बच्चे सो रहे थे, अभी टाइम 12 बजे, आज लकीली सो गए, अच्छे से सो गए, और अभी मैं इनको ड्रेसअप करूँगी, इनको तैयार करूँगी, मैंने इनको फीड कराया है दोनों बच्चों को, तो अभी ये होंगे थोड़े से एक्टिव, और इनको बहुत ज़्यादा इनका पेट नहीं भरा है, और मालिश मैं इनकी करूँगी नहीं, क्योंकि इनका वैक्सीनेशन हुआ है। ये है बेबी गर्ल, ये है बेबी बॉय, और ये है अभी 1.5 महीने के बच्चे। तो मेरे 1.5 महीने बच्चों के साथ कैसा बीतेगा मेरा ये दिन, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी, और भी बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो देखते रहिएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में। और ये इनका ओले 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 ओले, इट्स वेरी नेचुरल व्लॉग, इट्स वेरी रियल, एंड ओए ओरे ओरे ओरे, ही इज क्राइंग, नो नो, व्हाई आर यू क्राइंग? बस 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 बस, मैं बच्चों को डायरेक्ट फीड भी देती हूँ, बॉटल से भी देती हूँ, फार्मूला भी देती हूँ। ट्विंस के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है मैनेज, जो मैंने फर्स्ट बेबी के साथ नहीं किया था, वो मेरा मुझे ट्विंस के साथ करना पड़ रहा है। बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है इस बार का, और बस वही है जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा सुविधा, क्योंकि जब अकेले होते हैं करने के लिए कोई नहीं होता, तो ऐसे में हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी अपनानी पड़ती है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, जग रहे हैं, दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही है। तो मैं सबसे पहले इनको डायपर फ्री करूँगी, और उसके बाद धीरे धीरे मैं इनकी मसाज करूँगी। लेकिन उससे पहले ना, इनको विटामिन डी की, जो न्यूबॉर्न की दवाएं चलती हैं 1 ईयर तक विटामिन डी का डोज चलता है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कराया हमको, तो हम इनको वो दे देंगे, और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी मेरी पूरी हेल्प करते हैं। तो इन बच्चों को 8-8, 10-10 ड्रॉप जो है वो विटामिन डी की हम दे देंगे, जो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कराया है। गाइस,
सो थोड़ी सी थपकी देने के बाद डोज दे दिया, तो थोड़ी सी थपकी दे दिया ताकि मेडिसिन जो है वो अंदर तक चली जाए। और दूध पिलाने के बाद मतलब कुछ खा पी के ही, जैसे बच्चे तो न्यू बॉर्न है तो ऑब्वियसली दूध ही पियेंगे, तो उसके बाद ही मैं विटामिन का डोज देती हूँ। जैसे कि हम बड़े हैं अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो कहते हैं ना पेट भरा होना चाहिए, तो वैसे बच्चों का भी है, मतलब कुछ खा पी लें उसके बाद ही दवाई दो। और बस इनके विटामिन डी का डोज हो चुका है आज के दिन का, और उसके बाद तैयारी होती है इनको डायपर फ्री करने की। तो मैं इनको डायपर फ्री करूँगी अभी, और एकदम से डायपर नहीं निकाल देती, थोड़ा देर मैं रखती हूँ ऐसे ही मतलब खोल के, क्योंकि जैसे डायपर बच्चा हम निकालते हैं बच्चे का तो वैसे ही वो सुसु पॉटी स्पेशली सुसु तो कर ही देता है, तो वो ही है। तो थोड़ी देर ऐसे ही रखूँगी, उनको सुस्कारूँगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ गाइस। दोनों बच्चे उठ गए हैं, दोनों का मैंने डायपर निकाल दिया। थोड़ा सा मैंने डायपर निकालने के बाद मैं अभी इनको थोड़ा डायपर फ्री रखूँगी, और अभी मैं इनको आज कर देने वाली हूँ स्पंज बाथ। आज मैं इनको नहलाऊँगी नहीं, क्योंकि नहलाऊँगी तब, क्योंकि इनको ना वैक्सीनेशन लगा था एक्चुअली, तो इनको फीवर भी था कल, तो आज मैं थोड़ा और गैप ले लेती हूँ और इनको मैं कल नहलाऊँगी मालिश वालिश करके। एक दो दिन मालिश के लिए मना किया था डॉक्टर ने और रोने लगे मुझे। मैंने गर्म पानी जो है वो तैयार रखा है और इनको मेडिसिन दे दी है, विटामिन डी की इनकी मेडिसिन चल रही है वो दे दी है। और अभी मैं कपड़े निकाल लेती हूँ बच्चों के। तो मैं बच्चों को ना लेयर्स में कपड़े पहनाती हूँ, ये नहीं कि एकदम उतारा कपड़े, तो बच्चों को सर्दी गर्मी का डर रहता है, तो उनको लेयर्स में कपड़े पहनाती हूँ। और आज मैंने बच्चों को स्पंज बाथ दी है गाइस। पहले मैंने इनकी मसाज करी, उसके बाद मैंने इनको हल्का हल्का सा ऐसे पूछ दिया ताकि तेल ना लग रहे और बच्चों को इरीटेशन ना हो, और मैं फिर इनको कपड़े पहना दूँगी। तो आज मैंने इनको नहलाया नहीं है। जिस दिन मैं एक्चुअली नहलाती हूँ उस दिन का मैं रूटीन शेयर ही नहीं कर पाती क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाता है मेरे लिए, बट मैं किस दिन ज़रूर शेयर करूँगी इनके नहलाने का और इनके मसाज का भी मैं फुल रूटीन। फ्रॉक ढूंढती हूँ इसके लिए, एक फ्रॉक ढूंढती हूँ। ये फ्रॉक बहुत अच्छा है, ये वाले पहनाऊंगी इसको। ओरे 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 वो 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 ये वाले फ्रॉक पहनूंगी। ओके गाइस, मैंने दोनों को तैयार कर दिया, अभी फिर से भूखी हो गई, तो अभी इनका दूध रेडी है। इसको हल्का सा गुनगुना करूँगी, ब्रेस्ट मिल्क चाहिए, इसको हल्का सा गुनगुना करूँगी और इनको पिला दूँगी, दोनों को एक साथ ही पिलाऊंगी। मैंने बेड भी थोड़ा थोड़ा ठीक कर दिया है, एक बजने वाला है, मुझे खाना भी बनाना है।
ना, ये लड़की बहुत रोती है। अरे ओ, आपके लिए कैप लेके आती हूँ, आपके लिए कैप लेके आती हूँ एक। इसको सॉक्स भी पहना देती हूँ। तो गाइस जैसे ही बच्चों को रेडी करा, इनको स्पंज बाथ दी, उसके बाद इनको फीड कराया और बच्चे फिर स्लीपी मोड में आ जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर सोते हैं और दोपहर में 3-4 घंटे की नैप लेते हैं और बीच बीच में मैं इनको दूध पिलाती रहती हूँ, यानी कि हर 2-2.5 घंटे के बीच में, और कभी कभी दोनों को एक साथ भी लगना पड़ता है। और यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को एक साथ बर्प करा रही हूँ। शाम का ये टाइम है गाइस। दिला रही हूँ, इनके कपड़े चेंज कर दिए, अभी ये सो के उठे थे दोपहर में शाम में, तो उसके बाद इनका डायपर चेंज किया, इनके कपड़े चेंज किए, फिर इनको अभी दूध पिलाया है और दूध पिलाने के बाद इनको डकार दिला रही है। अभी थोड़ी देर जगेंगे दोनों, आप देख सकते हो दोनों जगे हुए हैं। थोड़ा दिखा दो दोनों बच्चों को जगते हुए, दोनों बच्चे जगे हुए हैं आप देख सकते हो। ये रहा केशव और ये रही गार्गी गुजर। तो दोनों बच्चे जगे हुए हैं, दिन में सोए हैं। ओले ओले, इनको कैप उड़ानी है।